हेलो दोस्तों, आपको पता है यूट्यूब का और एक नया एप्लीकेशन आ चुका है YT क्रिएट। तो शायद सबको पता होगा YT क्रिएट क्या है। तो YT क्रिएट है यूट्यूब का एक ऑफिशियली एप्लीकेशन जहां से आप अपना वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक नया क्रिएटर है और यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं, नया क्रिएटर है या आप एक यूट्यूबर है, पहले से भी यूट्यूब में काम करते हैं, तो आपका वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप काइनवास्टर का यूज करते होंगे, VN का यूज करते होंगे, यार इससे काफी सारा एडिटिंग एप्लीकेशन जिसको आप यूज करके आप अपना वीडियो एडिटिंग करके YouTube पे पोस्ट करते हैं। मगर अभी YouTube ने खुद का एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसको बोलते हैं YT क्रिएट। तो ये जो एप्लीकेशन है क्या है, कैसे इसका यूज करना है, कैसे हम इससे वीडियो एडिटिंग करें, कंप्लीट इस प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। बस इसको यूज कैसे करना है आप कंप्लीट देख लीजिए कि यहाँ से वीडियो एडिटिंग कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है वीडियो एडिटिंग करना, और यहाँ पे आपको काफी सारा म्यूजिक मिलता है जो कि यूट्यूब का जो ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक है आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, और YT क्रिएट ये एक यूट्यूब का एप्लीकेशन है। अगर आप एक क्रिएटर है, वीडियो कंप्लीट देखिए, बिना स्क्रिप्ट के वीडियो अच्छे से वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए। और इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है ये हम वीडियो के आखिर में आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर जब भी आप अपना आपको जब भी जो YT क्रिएट का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप अपना काफी जितना भी आपका ईमेल आईडी होगा आपके मोबाइल पे सारा आईडी में ईमेल आईडी दिखेगा। जो ईमेल आईडी में आपका यूट्यूब है वो ईमेल आईडी को चूज करिए, बस आपका लॉगिन हो जाएगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसका जब भी आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने प्लस का निशान आएगा, देखिए ब्रिंग योर आइडिया फॉर लाइव। तो आपको यहाँ पर प्लस के निशान पे क्लिक करना है, आपका ऊपर लोगो दिखाई देगा। तो जो वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं वो वीडियो को आपको गैलरी से चूज करना है कि कौन से वीडियो को आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो को चूज करता हूँ और इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। जब भी इंपोर्ट पे क्लिक करूँ तो ये इंपोर्ट होगा, 0 से लेकर 100% तक इंपोर्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इंपोर्ट हो जाए। चलिए हम वेट कर लिए और ये मेरा इंपोर्ट हो गया। जब भी मेरा इंपोर्ट हो गया यहाँ पर देखिए होम स्क्रीन पे आ गया, YT क्रिएट का एप्लीकेशन ये ओपन हो गया। तो सबसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर फिल्टर है, इफेक्ट है, एडजस्ट है, और यहाँ पे वॉल्यूम है, रोटर है, काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएगा। आप यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, आप अपना वीडियो को रोटेट कर सकते हैं, और कुछ भी इफेक्ट लगा सकते हैं, कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। और इससे ज्यादा अगर आपको और भी चाहिए कुछ फीचर तो आपका एरो पे क्लिक करना है। जब भी एरो पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पर ओवरऑल का ऑप्शन है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन पे आप अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं वीडियो में तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लेन टेक्स्ट और टेक्स्ट इफेक्ट, तो यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट भी मिल जाएगा, प्लेन टेक्स्ट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप स्टिकर पर जाएंगे, स्टिकर और GIFs और इमोजी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको कुछ बाहर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बाहर से लाने की कुछ जरूरत नहीं, आपको यहाँ पर स्टिकर्स मिल जाएगा, GIF मिल जाएगा, इमोजी मिल जाएगा, कितना सारा आपको यहाँ पर फीचर मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा बैक करते हैं, और भी बहुत सारा फीचर इसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करें। तो देखिए यहाँ पर साउंड का इफेक्ट देंगे तो ये बहुत बढ़िया इफेक्ट है। और आपको म्यूजिक लेना है, आपको कौन सा म्यूजिक लेना है, आपको यहाँ पर हिप हॉप हो गया, पॉप हो गया, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और साउंड इफेक्ट की बात करेंगे तो साउंड इफेक्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारा साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जो साउंड और साउंड इफेक्ट होते हैं वो यूट्यूब लाइब्रेरी से डायरेक्टली आता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगा नहीं है। तो अगर आप खुद का कुछ म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ साइड में योर म्यूजिक का ऑप्शन है, आप साइड में जाकर योर म्यूजिक पे क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका खुद का म्यूजिक आपके आपके मेमोरी पे होगा वो आपको मिल जाएगा, आपको म्यूजिक तो आप वो आपका खुद का म्यूजिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इतना काम होने पर हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बैक जाएंगे तो आप हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। तो आपको अगर ये जो भी आप काम किए हैं अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो ऊपर ट्रिपल लाइन है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट साथ अगर आप यहाँ पर अपना जो भी रेटियो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेटियो भी चेंज कर सकते हैं। आप अपना शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं या इंस्टा के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या यूट्यूब के लिए, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली होम पेज में जाएंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा तो आप ट्रिपल लाइन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए रीनेम कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिम का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर वीडियो को ट्रिम भी कर सकते हैं। और आपको YT क्रिएट के बारे में डिटेल से वीडियो जानना है कि आपको एक एक बारीक से जानना है कि वीडियो कैसे एडिटिंग किया जाता है पूरा गजब के तरीके से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको और एक पूरा लंबा वीडियो बनाकर बताऊंगा कि यहाँ पर एडिटिंग कैसे होता है, तो आपको पूरे एक वीडियो में आप सब कुछ सीख जाएंगे। अगर आप किसको सीखने भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये बात हुई YT क्रिएट को आप डाउनलोड कैसे करें, देखिए YT क्रिएट को अगर आपको डाउनलोड करना है ये अभी सबको नहीं मिला है, किसी क्रिएटर को मिला है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको यहाँ ये जो एप्लीकेशन का
एक्सेस मिला ही नहीं मिला, तो आपको वाईटी स्टूडियो ओपन करने, जब भी आप वाईटी स्टूडियो ओपन करें सबसे ऊपर एक बटन आ जाएगा, तो आपको वहां पर नजर आएगा कि आप इसको आपको ये एक्सेस मिला है, तो आप वहां पर जाके लर्न मोर पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो ये कुछ दिन बाद सबको मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करिए, सभी को एप्लीकेशन मिल जाएगा। जिस जिसको मिला है वही बहुत बढ़िया बात है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर पूरा डिटेल्स जानने कैसे यूज करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंप्लीट वीडियो था, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक करिए।